हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम लोग इंग्लिश का क्लास 6 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 5 क्लास तक कर चुके हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग नहीं देखे वो लोग जाकर देख लीजिए। और ये क्लास आप लोग को रोज रात 8 बजे चलता है। और लास्ट में आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, तो प्लीज़ क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको वो बात लास्ट में मालूम चलेगा। तो चलिए आज का हम लोग पहले क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक बात बता दें कि आप लोग को अगर इस क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी क्लास को शेयर करते रहिएगा। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या करने वाले हैं वो देख लीजिए। आप लोग को बता दें कि आज हम लोग वन वर्स सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि केवल आप जो है वन वर्स सब्स्टिट्यूशन साइनोनिम ही क्यों कराते हैं। तो आप लोग को बता दें कि साइनोनिम और वन वर्स सब्स्टिट्यूशन से जो है आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए जो है आपके लिए सब आप लोग के लिए करा रहे हैं। और ये हमारा जो है लास्ट क्लास होगा वन वर्स सब्स्टिट्यूशन का, क्योंकि जो भी आगे जो क्लास होंगे वो भी कुछ खास होंगे, ठीक। और जो भी वन वर्स सब्स्टिट्यूशन आगे हमको लगेगा कि इंपॉर्टेंट है वो आप लोग को हम कराते रहेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वन वर्स सब्स्टिट्यूशन है वो है प्लेस वेयर वेपन्स आर स्टोर्ड, वह जगह जहाँ पर शस्त्रों को रखा जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? आर्सेनल, यानी आर्सेनल यानी कि शस्त्रागार। सेकेंड नंबर क्या है? डैट विच कैन नॉट बी हेयर्ड, जिसे कुछ सुनाई न दे उसे क्या बोलते हैं? इन ऑडिबल। तो डैट विच कैन नॉट बी हेयर्ड का वन वर्स सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? इन ऑडिबल। आप लोग को हिंदी में भी आप लोग को समझा दे रहे हैं, जिससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थर्ड नंबर में है ए पेपर रिटन बाई हैंड, कोई पेपर है उस पर जो है हाथ के द्वारा लिखा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। यानी कि एक पेपर रिटन बाय हैंड का वन वर्स सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? मैन्यूस्क्रिप्ट। नेक्स्ट नंबर फोर नंबर है वन डैट लिव ऑन अनदर, इसका वन वर्स सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? पैरासाइट, जो दूसरे पर निर्भर रहता हो उसे क्या बोलेंगे? पैरासाइट। फाइव नंबर यानी कि परजीवी बोलते हैं, परजीवी। पैरासाइट का हिंदी क्या हो जाएगा? परजीवी। फाइव नंबर में है एनिमल विच फीड ऑन ग्रास, गार्मिनी वोरस एनिमल विच फीड ऑन ग्रास का वन वर्स सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? गार्मिनी वोरस, यानी कि जो जानवर घास खाता हो उसे क्या बोलेंगे? गार्मिनी वोरस यानी कि शाकाहारी बोलते हैं। गार्मिनी वोरस का हिंदी क्या हो जाएगा? शाकाहारी। आपको हिंदी में भी आप लोगों को समझा रहे, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिक्स नंबर में है ए नेटिव ऑफ अनदर कंट्री फॉरगिनर, यानी कि फॉरगिनर का हिंदी होता है विदेशी, जो दूसरे देश का हो, देश से बाहर। जिस तरह से हमारे इंडिया से अगर कोई बाहर से कोई आता है तो उसे क्या बोलते हैं? विदेशी बोलते हैं। तो वही फॉरगिनर का हिंदी क्या हो जाएगा? विदेशी। सिक्स के बाद सेवन नंबर में है वन वर्स सब्स्टिट्यूशन टू इम्पोर्ट द गुड्स इलीगली विथआउट द पेमेंट ऑफ ड्यूटीज, इसका वन वर्स सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? स्मगल। इसका क्या कह रहा है, इस वर्ड में क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई सामान जो है कोई व्यक्ति देखते हैं कि अगर कोई सामान क्या करता है लीगली तरीके से, गैर कानूनी तरीके से क्या करता है, बेचता है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्मगलिंग कहते हैं। स्मगलिंग का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। सेवन के बाद एट नंबर में वन वर्स सब्स्टिट्यूशन है कि पीपुल लिसनिंग टू ए ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम, तो इसका वन वर्स सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? लिसनर, यानी कि लोग जो हैं किसी ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम किसी प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो उसे क्या जो सुनते हैं उनको क्या बोलते हैं? लिसनर यानी कि श्रोता बोलते हैं। एट नंबर के बाद नाइन नंबर में है कि प्रोडक्ट बाउट बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, तो इसका वन वर्स सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? इम्पोर्ट, यानी कि कोई देश, मान लीजिए कि इंडिया जो है कोई सामान किसी दूसरे देश से जो है वो खरीद रहा है, तो वो देश जो है इंडिया को क्या कर रहा है? इम्पोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इम्पोर्ट कर रहा है। नाइन के बाद टेन नंबर में है ए डिसेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड पासेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन टू अनदर, इसका वन वर्स सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन। यानी कि इस वर्ड का आप लोग को हिंदी बता देते हैं कि अगर कोई बीमारी जो है एक व्यक्ति को हुआ है और उसके द्वारा जो है किसी दूसरे व्यक्ति में चला जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? इन्फेक्शन बोलते हैं। ये तो आप लोग जानते होंगे, नॉर्मल वर्ड में चलता रहता है। टेन के बाद चलते हैं इलेवन नंबर जो वन वर्स सब्स्टिट्यूशन है, इलेवन नंबर में है कि आपका डैट विच कैन नॉट बी सीन, जिसे हम लोग देख नहीं सकते हो,
इनविजिबल यानी कि अदृश्य, जिसे मान लीजिए कि देखेंगे आप लोग, ये क्या बोलते हैं मिस्टर इंडिया, आप लोग फिल्म देखे होंगे जिसमें जो है वो दिखाई नहीं देता है, वो क्या है एक तरह से अदृश्य यानी कि इनविजिबल है। तो 11 नंबर आप लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूट समझ में आ गया। और आप लोग को इम्पोर्टेंट एक बात बता दें कि आप लोग जो है बहुत सारे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर जो है जो पोस्टपोन हुआ है उसके बारे में, तो आप लोग को वीडियो हम बना दिए हैं, ध्यान से आप लोग देख लीजिए उसमें क्या क्या आप लोग को बताएं। पूरा आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं और आप लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कि किसका पोस्टपोन हुआ है नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग जो है उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए और नोटिफिकेशन को भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। 12 नंबर में क्या है कि ए डिसीज दैट स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, इपिडेमिक। इपिडेमिक इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अब इस वर्ड का आप लोग को हिंदी में बता देते हैं, जैसे कि देखिए एग्जांपल के तौर पर अभी जो है कोरोना जो है बहुत सभी एरिया में जो फैला हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं आपको महामारी के तौर पर फैला हुआ है, तो वही ये बात कह रहा है कि डिसीज दैट स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया, कोई बीमारी जो है बहुत ही बड़े एरिया में जो है आपको फैला हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक का जो हिंदी होता है वो क्या होता है महामारी ही होता है। 12 के बाद 13 नंबर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि ए फिगर विथ मेनी एंगल एंड साइड, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा पॉलीगॉन। ए फिगर विथ मेनी एंगल एंड साइड यानी कि कोई फिगर जो है उसमें बहुत सारे एंगल हो साइड हो तो उसको क्या बोलते हैं पॉलीगॉन यानी कि बहुभुज। 13 नंबर के बाद अब 14 नंबर में चलते हैं। 14 नंबर में है ए चाइल्ड ब्राउट अप बाय पर्सन हु आर नॉट इट्स पेरेंट्स, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा फॉस्टर चाइल्ड। फॉस्टर चाइल्ड यानी कि गोद लिया हुआ बच्चा, अगर किसी बच्चे का जो है माता पिता ना हो या फिर किसी माता पिता का जो है बच्चा नहीं हो तो वो क्या करते हैं अपने किसी बच्चे को गोद लेते हैं, तो उसी वही ये कहा गया है कि चाइल्ड ब्राउट अप बाय पर्सन हु आर नॉट इट्स पेरेंट्स, जिसे कोई माता पिता बच्चे को गोद लेते हैं उसको क्या बोलते हैं गोद लिया हुआ वो बच्चा है। 14 के बाद 15 नंबर में है कि बिहेवियर मीन्ट हर्ट और की किल पीपुल, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा वायलेंस, किसी के व्यवहार से किसी भी लोग को क्या हो रहा है दर्द हो रहा है या फिर वो मर जा रहा है तो क्या बोल देंगे उसको वायलेंस। आप देखते हैं कि बहुत सारा उपद्रव जो होते हैं कहीं आंदोलन होता है तो उसमें बहुत सारे कुछ हो जाते हैं उन लोगों को, तो वही ये बात कर रहा है कि ऐसा व्यवहार के कारण जो है वायलेंस हो रहा है। 15 के बाद 16 नंबर फियर ऑफ बॉडी को क्या बोलते हैं नेक्रोफोबिया, जो बॉडी से डेड बॉडी से जो है डर लगता है उसको क्या बोलते हैं नेक्रोफोबिया। 16 के बाद 17 नंबर में है कि लवर ऑफ पोएट्री एंड आर्ट, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या जाएगा फिलोम्यूस। 17 के बाद 18 नंबर में है हेटर ऑफ मैनकाइंड मिस एंथ्रोप यानी कि जिसे मानव से क्या हो तो बोलते हैं नफरत हो तो उसके क्या बोलेंगे मिस एंथ्रोप। 18 के बाद 19 नंबर में डैट कैन नॉट बी अंडर जो समझता नहीं हो उसे क्या बोलेंगे इनकॉम्प्रेंसिबल। 19 के बाद 20 नंबर जो कि हमारा लास्ट नंबर है आज का, 20 नंबर में है देख लीजिए एनिमल विथ टू फीट तो इसे क्या बोलेंगे बीपेड, जिस जानवर के दो पैर होते हैं उसे क्या बोलते हैं बीपेड। तो यही था हमारा आज का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और आप लोग को लास्ट में बोले थे कि एक बात बताएंगे तो आप लोग सुन लीजिए। आज जो है हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप में 9 बजे क्विज होगा, आप लोग क्विज में जरूर आइएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग रात 9 बजे क्विज में जरूर आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्विज होगा, उसमें आप लोग जरूर दीजिएगा अपना कि क्या हम पढ़ाई किए नहीं किए। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को और क्लास को जो है आप लोग लाइक कीजिएगा। और इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को भेजिए नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइए। और क्विज जो होगा उसका भी आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। रात को 9 बजे कितना बजे 9 बजे आप लोग का क्विज होगा, आप लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़ के आइए और तैयारी अच्छे से कीजिए, देखते हैं कितने लोग जो है मतलब सही कर पाते हैं क्विज में। तो आप लोग जो है 9 बजे जरूर आइएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और जो पीडीएफ का जो है उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।